चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ होती है। तो फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है मेरे माध्यम से। नहीं नहीं आप ठीक कह रहे हैं। देखो किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए, चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, है ना? पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना? एक्चुअली सिद्धांत है ना, देखो इतने सारे मर्द हैं, लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका पति है, है ना? समाज ने आपको इजाजत दे दी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो जैसे समाज ने एक पुरुष के संग, एक स्त्री के संग इजाजत दे दी, शास्त्र ने इजाजत दे दी कि आप इसके साथ रह सकते, ये लीगल है, उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज, चीजें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं, मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। पतिव्रता नारी पराए मर्द के संग, पराए पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हम, हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं, तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए है, क्या आप कुत्ता हैं, क्या आप बिल्ली हैं, क्या आप शेर हैं, क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी, हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है। अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीव से चाट चाट के पानी पीते हैं जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो? लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के, मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, वो शाक बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर जानवर होके अपने धर्म में अड़ गए हैं तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? अब जो शाका मांसाहारी जानवर होते हैं उनको आप ध्यान से देखना, उनके पाँव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं, जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी भी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना? बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कहना इन दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए, आपके नहीं है, मतलब आप ईश्वर की तरफ से शाकाहार। और अब मैं नहीं कहता, आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करके देखिएगा, साइंटिस्ट लोग अब सिद्ध, अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहां मुझे बताया कि जो अंग्रेज लोग, इनके बाप दादी जो मांस खाते चले आए हैं, अब कुछ अंग्रेज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो मांस नहीं खाते, वो कहते हैं कि अब इसको खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, पहले के लोग जंगल में कंदमूल फल खाते थे, ये अब खाने लग गए हैं, सुअर खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं, अब बहुत सारे लोग शाकाहार की तरह जो जागरूक हैं बढ़ रहे हैं। तो आप और हम तो पहले से जागरूक हैं, तो हम क्यों अपने आप को मांसाहार की तरफ ले जाएं, क्यों किसी की हड्डी चबाएं? बताइए, हमारे यहाँ मुर्दे को छूने से लोग नहाते हैं, कितनी दुर्गंध है। अब देखो आप गेहूं, आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा।
मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग एकादशी करते हैं और किसी दिन अगर हम बाहर रहते हैं और उस दिन एकादशी है, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ स्टेशन है और उस दिन ख्याल नहीं कि एकादशी है, तो अगर हम बाहर चावल खा लेते हैं या लहसुन प्याज खा लेते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर एकादशी उस दिन का, या पूरा कंटिन्यूड रहता है जो 108 हम कर रहे हैं? कंटिन्यू कैसे रहेगा? वो पर्टिकुलर वाला कैंसिल होता है ना जिस दिन हम खा लिए बाहर। हाँ, आपने जो खा लिया वो एकादशी भंग हो गई जी, और पीछे से जो हम कंटिन्यू जो करते आए हैं वो तो जो किया वो मिलेगा, जो आगे करेंगे वो मिलेगा, पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक बार खा लिया एकादशी के दिन, कोई ने धोखे से कुछ खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, बिस्किट खा लिया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु अज्ञानवश हुआ हमें क्षमा कीजिए, और फिर उतने को ही फलाहार मान लेना चाहिए, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आपने धोखे से चावल खाया, आपने खाया ही एक कौर, तभी याद आया आज तो एकादशी। अब आप बोलेंगे नहीं, हे प्रभु अपराध हुआ, क्षमा, भगवान का नाम जप करो और उसको ही अब मान लो कि मेरा पारण हो गया, अब फिर मैं कुछ नहीं खाऊं, तो फिर वो पूरी एकादशी मान ली जाएगी। गुरुजी मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है, दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज चार चीजें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने चार चीजें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया, इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना, सोना भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं भीख इसलिए मांग, बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता, मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब, उनको दारू पानी लगा, ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है, अब उनको लगा ये पानी है, पियेंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपट्टी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा, और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना जी, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं स्पाइनल में, जिससे शून्य हो जाती है वो अंग, क्या हो जाता है, कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है, आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा,
नशे में, तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम दो पैक पीते हैं या तीन। अच्छा पीते ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं नहीं, तो गुरुजी सारे फसाद की जड़ तो वही है गुरुजी, जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ पांच महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी, पांच महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पिए पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं, देखो आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूँ भगवान का, ज़्यादा हाय हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज़्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है, शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोग भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति करना हो, ईश्वर से नेह करना हो, मन लगाना हो, संत लोग एक टाइम भोजन करते हैं, दो टाइम नहीं खाते, बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा, और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं, ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ, गुटखा खैनी दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक है। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं, गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता वो है? पाउडर एक होता है ना? नहीं वो मैं जानता नहीं हूँ। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है बट ड्रग्स? नहीं नहीं वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुल। नहीं वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। तंबाकू चूना? नहीं वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत, गलत है, सब गलत है, सब गलत। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही, इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है? पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी आप कहते हैं कि शराब को पाप माना गया है, ये सारी चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी, शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत है। ठीक है, महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है? खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें। महापाप में शराब को गिना, देखो एक होता है महापाप, एक होता है पाप जी। महापाप पांच प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत है, शराब महापाप है। आगे ठीक है गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से ये बुलवाना है, बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ, और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे, तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर, खच्चर को जी, एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हैं, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ, लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊंगी यहाँ तो आपके। इसलिए पहले के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं,
नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के जमाने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो, माँ बाप को समय है, पांव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा, तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो बुढ़ापा जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, परास्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी हेलीकॉप्टर भी तो है ना। हाँ हेलीकॉप्टर, पर हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हज़ार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हज़ार की टिकट कटाएगा, वो तो 1,000-2,000 दे के जाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने बजट हैं, पर ये कोशिश करो कि हम अपने पाँव पर चलें, हम किसी पर बोझ ना बने। ये सही है कि हम किसी जीव को परेशान ना करें। यदि वो गधा वधा जो भी है खच्चर, वो यदि स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं के जमाने में घोड़ों पर ही सवारियाँ होती थी, रथ घोड़ों के द्वारा ही चलाए जाते थे, तो उन घोड़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पंच परमेश्वर कहानी है, जुम्मन से खलगू चौधरी, उसमें एक इक्का गाड़ी की भी कहानी है ना, तो उसमें बैल के द्वारा इक्का गाड़ी चलाई गई, उसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ पहले ना जैसे किसान खेत में जुताई करते थे, जुताई तो बैलों से होती थी, तो बैलों को ना दिन भर जुताई में रखते थे और रात भर उनको चराते थे, रात भर वो अच्छा घास खाएं, दिन भर उनको जब भी गर्मी पड़े 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे छोड़ दें, वो चर लें, वो पानी पी लें, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। आज कुछ लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए उनका ख्याल तो रखते नहीं है, और वो पैसे लेने के चक्कर में ना उसको भरपेट खिलाते हैं, ना उसका पानी का ध्यान, ना खाने का ध्यान, तो वो कमजोर हो जाता है, मर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है गुरुजी, वो 5-5 बार चढ़ाते हैं और आने के टाइम पे पूरा पांव टूट जैसा जाता है और फिर उसका ध्यान नहीं, उसकी खिलाई पिलाई हो, और एक समय होता है, यदि जवान है तो उसको उपयोग में लिया जाए, बूढ़ा है तो उसको रिटायर कर दिया जाए। अब बूढ़े गधे के ऊपर भी लोगों को बिठा कर ले जाएंगे, तो एक हर व्यक्ति जानवर हो या इंसान हो, हर चीज की क्षमता होती है, जवानी सबके साथ होती है और बुढ़ापा भी सबके साथ होता है। तो उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, आप लोग भी अपने पांव पर चलने की कोशिश करें, और कुल मिला के जीव पर कोई भी भार ना बने, जीव मात्र को हम परेशान ना करें। जी धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू।